समझे लगे कि जे खाने के वास्ता में भी बहुत दिक्कत ना है। अरे जाओ तो मेरी माना चला रहेगी, अरे जाओ तो मेरी माना चला रहेगी, लेकिन वो ज्योति जब नीचे आ गई
देखा वो इंसान नहीं, वो कौन है? श्री नारद जी है। इसलिए देखा वो कौन थे? श्री नारद। जब नारद जी आए, श्री वसुदेव महाराज खड़े हो गए, कृष्ण स्वयं खड़े हो गए, बोले यज्ञ को बंद करो, यज्ञ को बंद कर दो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले यज्ञ हम जिस काम के लिए कर रहे थे उसका जो फल है वो डायरेक्ट रूप में फल ही आ गया। अभी जिस सिंहासन में भगवान स्वयं बैठते ही, तब नारद जी को उसी सिंहासन में बैठा दिया। वसुदेव महाराज, कृष्ण, श्री बलदेव प्रभु, श्री नारद जी की चरण की उन्होंने वंदना की, चरण की पूजा की, उनके चरण को धोए, उसकी चरणामृत को स्वयं भगवान कृष्ण पान करते, श्री बलदेव प्रभु पान करते और संपूर्ण द्वारका में शांति जल रूप में उनके चरणामृत को उन्हें छिड़काव कर जाए हमारे देश भक्त बच्चों बिल्कुल। इसलिए शांति जल रूप में पूरा द्वारका में छिड़काव करवाए। अभी उनके चरण में बैठ करके श्री वसुदेव महाराज वो कह रहे हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनामक्षणमुरम तत्रापि दुर्लभमत्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते यज्ञ क्यों कर रहे थे आप बताओ? यज्ञ का नाम क्या था? आप लोग बता सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? वो यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति महायज्ञ। इतने बड़े यज्ञ जिसमें स्वयं कृष्ण है, स्वयं बलदेव प्रभु, उनकी 16108 बटरानियां, देवकी वसुदेव वहां पर। लेकिन जब नारद जी आ गए ना, सारे यज्ञ को ठप करवा दिया, बंद करवा दिया। बोले यज्ञ जिस काम के लिए कर रहे थे वो सख्यात रूप में आ गए। यहाँ प्रश्न होता है, भैया नारद जी आए तो भैया यज्ञ क्यों उन्होंने बंद करवा दिया? संतों का दर्शन। इतने बड़े यज्ञ कर रहे थे विश्व शांति महायज्ञ। यहाँ पर भगवान शिक्षा देते हैं, बोले जीवन में शांति कब मिलेगा? जब संतों का दर्शन होगा। जब कब शांति मिलेगा जीवन में? कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले हे अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति। बोले जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाए, भले ही करोड़ों उपाय तुम कर लो, सारा दुनिया की हम सोचते हैं शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना भैया दादा सुखी हो जाएगा। रावण जैसे इतने पैसा तुम नहीं कमा सकते हो। आपके पास में कितने पैसा होगा? कितना सोना होगा बताओ? 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, उसे ज्यादा सोना होगा तुम्हारे पास में? लेकिन इस रावण का संपूर्ण लंका ही सोना है, उसका बेडरूम भी सोना, उसका डाइनिंग रूम भी सोना, उसका किचन रूम भी सोना, उसका टॉयलेट भी सोना, उसका बाथरूम सोना ही सोना है। हम कहते हैं शायद किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाएगी ना, शांति मिल जाएगी। बताए रावण पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। मंदोदरी का मतलब उसने बताया, मंद मतलब होता है पति, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर इतनी पतली थी। उसका पिताजी का नाम कौन था? विश्वकर्मा, जिसने सारे अच्छे अच्छे गुण को देकर बेटी को बनाई। उस समय इतने सुंदरी कोई नहीं थी पृथ्वी में, 20 वार इतने सुंदरी कुछ थी। बेटा सोचते ही शायद कोई बढ़िया बेटा जन्म हो जाए ना, शांति मिल जाएगी। बताओ रावण का बेटा का नाम क्या था? मेघनाथ। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को परास्त कर दिया, इतने पराक्रम था, इतने नाती पोती, लेकिन तब भी वो चैन से नहीं, वो बेचैन से जी रहा था। इतने सोने की लंका में एक से एक स्त्री नहीं थी। आपको पता रामायण देखोगे ना, जितने सुंदरी सुंदरी स्वर्ग से भी अफसरी हमको सुंदरी जहां पर तक आप पकड़ करके जोर जबरदस्ती अपना उसने बीवी बनाया था, लेकिन उसका अंदर में बेचैन से रह रहा था। वो चैन से नहीं, बेचैन से। बोले क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरी विमुख कभी सुख नहीं पावा। पति से दुखी 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 है दुनिया, दुख का घर। और असा सत्तम, असा सत्तम का मतलब होता है कि संसार नश्वर है, सब नष्ट होने वाले।
हमारे पिता भी गए, उसको भी पिता गए, उसको भी पिता गए, सबके सब गए, और हम भी एक दिन जाना पड़ेगा। यदि जो वस्तु अनित्य है, जो वस्तु एक दिन नष्ट होने वाले, तुम वहां से सुख ढूंढ रहे हो, सुख कहां से मिलेगा? और स्वयं दुखी जो व्यक्ति दुखी दुखी, और तुम वहीं से सुख ढूंढ रहे हो, है बोले सुख कब मिलेगा? बोले ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक जी ब्रह्म को पास में नहीं पहुंचाए, ब्रह्म मतलब क्या है? बोले जो स्वयं आनंद स्वरूप है, जो स्वयं रस स्वरूप है, जो स्वयं प्रेम स्वरूप है, जो स्वयं सुखी स्वरूप है, वो कौन है? भगवान आनंदमय ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप है। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे ना, सुख नहीं मिलेगा। अभी प्रश्न है, वो यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति महायज्ञ। लेकिन नारद जी आए तो यज्ञ बंद कर दिया। बोले क्यों बंद कर दिए? बोले जब तक कोई साधु का दर्शन तुम्हें नहीं होता है ना, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तब तक भगवान नहीं मिले, शांति कौन मिलेगा? भगवान की भक्ति से, भगवान की भजन से शांति मिलेगी, और किसी चीज में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन वो भगवान कैसे मिलेंगे? इसे जब हनुमान जी को साथ में श्री विभीषण का साक्षात्कार हुई, विभीषण को जब पता चला हनुमान जी कौन है, राम के प्यारे भगत है, वो क्या कहता है? आज मोय भाव भरोसा हनुमंता, और बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, मिले नहीं संता। जो रघुवीर मोहि अनुग्रह की, तो मई दर्श जति। आज लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा है, तब आज संत मिले। और जब तक संत नहीं मिलते हैं, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। इसलिए जब सिर्फ नारद जी आ गए ना, सारे यज्ञ को बंद कर दिया। बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, क्यों? साक्षात श्री नारद जी ये शांति रूप में आ गए। तब उन्होंने नारद जी के चरण में बैठ गए, बैठ करके तब श्री वसुदेव महाराज कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम अन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसका मतलब है, एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ, जो 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी एक बार देते हैं, बारंबार ये जीवन हमें नहीं मिलती है। एक तो मानव शरीर दुर्लभ, उसमें ज्यादा दुर्लभ क्या? मतलब वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान से भी ज्यादा दुर्लभ है जब भक्तों का दर्शन हो। बोले क्यों? बोले भगवान देखो सामने बैठे, लेकिन भगवान हमसे बात करता है। ठाकुर जी बोलते हैं, तू ये गलत रास्ता पर क्यों जा रहे हो, इधर क्यों जा रहे, ये करो, ये क्यों कर रहे, ये करो, भक्ति करो, भजन करो। ठाकुर जी बोलते हैं, हमसे बात करते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी बात नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव आचार्य माम विजयना, जब मैं किसी जीव को पर कृपा करता हूँ, मैं स्वयं संत रूप में ही उसको पास में स्वयं आता हूँ, है। इसलिए बोलते हैं तत्रापि दुर्लभ बने। जब श्री ध्रुव जी को भगवत दर्शन हो गया, भगवान बोले ध्रुव जी वर्मा को, ध्रुव जी कहते प्रभु आपकी भक्तों का संगत हो। बोले क्यों? जब मैं स्वयं तेरे को दर्शन दे दिया, फिर मेरे भक्त संग क्यों चाहते हो? बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, लेकिन अगर आपके संतों का संग करूंगा, उनके मुख से जो आपकी कथा रूपी नदी की जो मंदाकिनी नदी बहती है, अगर उसमें मैं गोता लगाता रहूंगा ना, अपने आप में मन आपके चरण में लगा रहेगा, अपने आप लगा रहेगा। इसलिए हमें आपकी संग नहीं चाहिए, आपकी भक्तों का संग चाहिए। इसलिए बोले संत के संग लाभ मिले तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। इसलिए संत करने के संग लाभ मिले तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए बोले प्रभु भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों का दर्शन, भक्त दर्शन। इसलिए जब नारद जी को बोले प्रभु हमारी अवभाग्य है, आज आपका दर्शन मिला, तब उनको अनेक प्रश्न करते हैं। वहां पर अपने 9 प्रश्न में हम आज एक प्रश्न सुनेंगे। इनका प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले? इनका ये प्रश्न, क्या प्रश्न है? देखो ये जो शांति है ना, ये अनमोल वस्तु है, ये अनमोल वस्तु है।
अगर तुम्हारे पास में अरब खरब रुपया लेकिन शांति नहीं तो पैसा की कोई हद नहीं। तुम्हारी बेटा बेटी दुकान मकान बहुत है लेकिन शांति नहीं उसका कोई महत्व नहीं। अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, अगर दो रोटी में अगर शांति तुम्हें मिले ये सबसे बड़ी चीज है। जगत में अनमोल वस्तु क्या है? शांति सुख है। इसलिए इनका यही प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगा। अब ध्यान देकर सुनो इसका क्या आंसर श्री नारद देते हैं। बोले प्रश्न होता है, बोले भैया फिर ये अशांत का कारण क्या है? आप लोग कथा सुन रहे कि नहीं? देखो आप केवल एक एक टॉपिक याद कर लो, आप किसी को भी जाकर कथा सुना सकते हो। हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस लिए भक्ति करनी चाहिए और जीवन में शांति कैसे मिलेगी, ये नारद इसका आंसर दे रहे हैं। हैं बोले किसको दे रहे हैं? कौन बैठ कर सुन रहे हैं? गहरे गहरे व्यक्ति बैठ कर सुन रहे हैं, स्वयं जगन्नाथ कृष्ण बैठ कर सुन रहे हैं, स्वयं बलदेव प्रभु सुन रहे हैं, उनकी 16108 बटरानी बैठ कर सुन रही है, वहाँ देव की वसुदेव बैठ कर सुन रहे हैं, गहरे गहरे व्यक्ति सुन नहीं रहे और जैसे तैसे व्यक्ति इसका आंसर नहीं दे रहे। आंसर कौन दे रहे? नारद जी दे रहे हैं। इनके आंसर श्री नारद ऋषि दे रहे हैं। प्रभु जी इसके अंदर में किसको मत भेजना, प्रभु जी वो गेट में खड़े हुए व्यक्ति इसको अंदर में किसको मत भेजो, सबको उधर पीछे भेज दो, जो पीछे आ रहे हैं ना उनको पीछे भेजो, वो पीछे जाकर बैठ सकते हैं, उनको उधर जाकर भेज दो, आगे किसको मत भेजा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए यहाँ पर